अगर अच्छी नहीं है तो तुम नहीं फेल हुए हो, ये मैं मान नहीं सकता। हम तुमसे प्रश्न पूछेंगे, उन प्रश्नों का अगर जवाब दे दीजिए तो मैं मान लूंगा कि मेरी शिक्षा बेकार नहीं है, हमारा सिस्टम अच्छा है। लेकिन उसके पीछे भी षड्यंत्र है, देखिए क्या होता है सारी कहानी। मैं ना बताऊंगा, हेलो, ये बच्चे स्वयं आपसे प्रश्न, हेलो हेलो, हेलो हेलो, करेक्टर में होशियार टीचर और मंगत राम एक लड़का है जिसके बीच में संवाद हो रहा है। मंगत राम भी चालाक है, वो फीस वापसी के लिए आया है, इसलिए देखिए क्या होता है आगे। ए निर्भय, मुझे प्रिंसिपल सर से मिलना है। हाँ रुको, रहो मैं अभी देख कर आता हूँ। प्रिंसिपल सर आपसे मिलने कोई मंगत राम आया है। अंदर बुला दो। चलो मंगत राम तुमको प्रिंसिपल सर बुलाए। चलो नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर, मैंने आपके स्कूल में 1 से 12 तक पढ़ा, मेरा कोई नौकरी नहीं लगी, मेरा 1 से 12 तक का पैसे वापस कर दो। देखो मंगत राम, तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि यहाँ पर तुम्हें अच्छी शिक्षा नहीं दी गई थी, इसके लिए तुम्हें यहाँ परीक्षा देना होगा। अगर परीक्षा में पास नहीं हुए तो मैं तुम्हारा पूरा पैसा वापस कर दूंगा। ठीक है निर्भय, सभी अध्यापक को बुला लो, स्पेशली माइकल सर को। सभी अध्यापक चलो, प्रिंसिपल सर बुलाए हैं। माइकल सर आपको स्पेशली प्रिंसिपल सर बुलाए हैं। हाँ मैं आ रहा हूँ। पहला प्रश्न कौन पूछेगा? इतिहास के सर, आप इसे प्रश्न पूछिए। हाँ तो मंगत राम, यह बताओ महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? वही 6-7 मीटर। जरा सोच के बताओ मंगत राम, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? गलत जवाब देने का प्रयास कर रहा है, देखिए। मेरा फाइनल उत्तर है 9 मीटर। सर आप ही से समझाइए। अरे मंगत राम, तुम तो परीक्षा के बारे हमारी परीक्षा ले रहे हो। वैसे तुम्हारा सवाल, तुम्हारा उत्तर एकदम सही है। हम आपको बता रहे सर कैसे इसका सही है। तुमने काल और काल की गणना प्रकार समस्या कर दी है। यदि एक दिन को आधे मीटर के हिसाब से गिना जाए तो 9 मीटर में 18 दिन हुआ। तुम्हारा उत्तर एकदम सही है, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। हाँ बिल्कुल सही मंगत राम, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। वाह मंगत राम, आप तो पास हो गए। वाह मंगत राम। तर्क और कुतर्क वितर्क। भूगोल के सर आप इसे प्रश्न पूछिए। हाँ तो मंगत राम, मैं तुमसे सवाल पूछूंगा जिसका तुमको सही सही जवाब देना है। ठीक है पूछ। हाँ तो ये बताओ, ताप्ती नदी के किनारे कौन सा स्मारक बसा हुआ है? तेरे बाप का थोपड़ा। हे मंगत राम, तुझे पूछा जाए उसका जवाब दो। एक बार नहीं हजार बार कहूंगा तेरे बाप का थोपड़ा 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 थोपड़ा। मंगत राम तुम्हारी हिम्मत, तेरे बाप का नाम लेते हो? रुकिए रुकिए, क्या सर आप फिर फेल हो गए? मंगत राम का उत्तर समझना, हम फेल हो गए। मंगत राम आप इनका उत्तर एकदम सही दिए हैं। मंगत राम ने थोड़ा सा उत्तर जो दिया उसको थोड़ा सा घुमा के दिया है। सुनो, इसने बोला है तेरे बाप का थोपड़ा, थोपड़ा मतलब सूरत, सूरत सूरत शहरी ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। तुम्हारा जवाब एकदम सही है मंगत राम।
वाह वाह मंगत राम, वाह वाह आप तो भूगोल में भी पास हो गए, वाह 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 मंगत राम। मैं तो मैं इस परीक्षा में पास करता हूँ, इस तरह सिद्ध होता है कि तुम्हें भूगोल सिद्धता सही दी गई है, मैं तुम्हें परीक्षा पास करता हूँ। अगला प्रश्न कौन पूछेगा? गणित सर, आप इसे प्रश्न पूछिए। हाँ तो मंगत राम, तुमसे गणित से दो प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें से एक का सही जवाब देना है। मेरा पहला प्रश्न, यदि पांच संतरे, छह केले, चार मूली, छह गाजर, पांच पांच को मिलाए तो क्या बना? ये तो प्राइमरी स्कूल का प्रश्न हुआ। मंगत राम, गणित तो गणित होता है। मैंने तुमसे पूछा कि पांच संतरे, छह केले, चार मूली, छह गाजर, पांच पांच को मिलाए तो क्या बना? फ्रूट सलाद। कभी खाई है? हाँ हमने खाई है। गलत, बिल्कुल गलत, मुझे लग ही रहा था कि तुम्हें गणित नहीं आती। हाँ प्रिंसिपल सर, मंगत राम को गणित बिल्कुल नहीं आती, वरना इतने आसान से सवाल एक में पढ़ने वाला बच्चा भी दे देता है। अगला अगला अब तुमसे मुझे एक अगला प्रश्न पूछना, जिनका जवाब गलत गलत हुआ तो इनका पूरा पैसा लौटाना पड़ेगा। आप घबराइए मत मंगत राम, आप घर से कुल हिसाब करके तो आए हैं कि आपका कुल पैसा कितना निकलता है। हाँ करके आया हूँ, एक से पाँच तक का 2 लाख और 5 से 12 तक का 2 लाख, टोटल 4 लाख हुए। ले दे। बिल्कुल सही जोड़ लगाया मंगत राम आपने, आपका पूरा 4 लाख रुपए निकलता है, इसलिए आप गणित परीक्षा में पास हो गए। बधाई हो मंगत राम, तुम तो गणित में भी पास हो गए। अगला प्रश्न कौन पूछेगा? अर्थशास्त्र के टीचर, आप इसे प्रश्न पूछिए। अब तो मंगत राम, मांग के बारे में आपकी क्या राय है? यदि बाजार में किसी चीज की मांग बढ़ेगी तो क्या होगा? सिंपल है, गंजापन होगा, और क्या होगा? दर से मांग का क्या रिश्ता? क्या साहब आप फिर फेल हो गए? यही तो मंगत राम की महानता आप लोग क्यों समझ नहीं पा रहे हैं? मंगत राम आप महान है, आपने सर आपने मांग को तो परिभाषित किया, लेकिन सर का एग्जाम्पल देखिए, इन्होंने कहा है कि जब मांग बढ़ेगा तो गंजापन बढ़ेगा। उसी प्रकार किसी वस्तु की जब जरूरत बढ़ती है तो मांग बढ़ती है, तो उसका मूल्य बढ़ता है। मूल जब बढ़ेगा तो चिंता बढ़ता है, चिंता बढ़ता है तो बाल झड़ता है, बाल झड़ता है तो गंजापन बढ़ता है। तुम्हारा सवाल एकदम सही है मंगत राम, उत्तर एकदम तुमने सही दिया है। वाह वाह, लेकिन मैं सर की मांग की नहीं, मैं मंगत राम। वाह वाह मंगत राम, आप तो अंग्रेजी के सर, आप इसे प्रश्न पूछिए। कौन सा प्रश्न पूछेगा? मंगत राम, मैं आपसे इंग्लिश में सवाल पूछता हूँ। इंग्लिश में डी ओ को डू और टी ओ को डू कहते हैं, तो एन ओ को क्या कहेंगे? डू। पहले आप मंगत राम जी सवाल को अच्छी तरह सुनिए, यदि इंग्लिश में डी ओ को डू और टी ओ को डू कहते हैं तो एन ओ को क्या कहेंगे? डू। यस 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 यस, यू आर राइट मिस्टर मंगत राम। नो नो नो, आई एम रॉन्ग। नो नो नो, यू आर राइट। आई एम No, I am wrong. No, you are right. No, I am wrong. You said no. I am wrong. इसका मतलब आपको इंग्लिश भी आती है? जी मंगत राम जी, आपका यह जवाब भी सही है। इंग्लिश में एनो को नो कहेंगे और आप इस परीक्षा में पास हो। वाह वाह मंगत राम, तुम तो इंग्लिश में भी पास हो गए। वाह वाह मंगत राम, तू बाहर निकल, तुझे तो देखूंगा। मेरे काला कराया पे सब पानी फेर दिया, तू बाहर निकल, तुझे देख लूंगा। बहुत खूब, उत्तर को सही साबित किया, बहुत तर्क एकदम सही था।